नमस्कार, उड़ान IAS अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस समसामयिक श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल की सभी घटनाओं को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाया जाए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला प्रारंभ करने के पूर्व आपको बता दें कि पिछले 9 वर्षों की निरंतरता को जारी रखते हुए उड़ान IAS अकादमी पुनः एक बार आपके लिए लेकर आया है CGPSC प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2020। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको मिलते हैं न्यूनतम शुल्क में न केवल 51 टेस्ट, बल्कि 51 टेस्ट के अंतर्गत पूछे गए सभी 5100 प्रश्नों का विषय विशेषज्ञों के द्वारा वीडियो एनालिसिस। चलिए, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू हुआ। देखिए, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है? आवश्यक वस्तु अधिनियम आपने हाल फिलहाल में जब ये कोरोना काल चालू हुआ तब आपने सुना होगा कि जो जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं उनको क्या कहा जाता है? आवश्यक वस्तु। और इनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने वाला जो अधिनियम है वो क्या कहलाता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो आपने सुना होगा एसेंशियल गुड्स एक्ट, है ना। एसेंशियल गुड एक्ट जो है ये आता है आपका 1955 के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि 1955 में ये अधिनियम जो है वो लागू हुआ था। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1955। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा अधिवक्ताओं को दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? आपके पास ऑप्शन में है बैरिस्टर प्यारेलाल ठाकुर अवार्ड, बैरिस्टर छेदीलाल अवार्ड, बैरिस्टर राम नारायण तिवारी अवार्ड या बैरिस्टर रामदयाल तिवारी अवार्ड। तो देखिए, ये जो राज्य शासन द्वारा अधिवक्ताओं को दिया जाने वाला पुरस्कार है वो पिछले 10 वर्षों से लगभग बंद है, है ना। इसके पहले ये अंतिम बार दिया गया था वर्ष 2009-10 में, ठीक। तो इस अवार्ड का नाम है बैरिस्टर छेदीलाल अवार्ड। आज बैरिस्टर छेदीलाल जी की जन्मतिथि है, है ना, उनकी जयंती है। तो ये जो अवार्ड है इसको पुनः प्रारंभ करने की बात जो है वो राज्य शासन के द्वारा की जा रही है, ठीक है। और वरिष्ठ अधिवक्ता जो है हमारे यहाँ, है ना, किरणमयी नायक जी, उनको इस ज्यूरी का मेंबर बनाया गया है, जो कि ये जो पुरस्कार जो जीतेगा, ये बोले कि जिसको पुरस्कार, किसको पुरस्कार दिया जाना है इसका चयन करेगी, ठीक है। तो आपका जो आंसर है, अधिवक्ताओं को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? बैरिस्टर छेदीलाल अवार्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के अति गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों की पहचान करने में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था सहयोगी के रूप में कार्य करती है? आपके पास ऑप्शन में है यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड बैंक। तो आपको बता दें कि यूनिसेफ जो संस्था है ये क्या करती है? अति गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों की पहचान करती है, ठीक। और साथ ही कुछ सुपोषण से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं हमारे यहाँ, उनका भी संचालन जो है वो यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये परियोजना, स्निप परियोजना जो है वो किसके सहयोग से चलाई जा रही है? यूनिसेफ के सहयोग से चलाई जा रही है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कृषक को मशरूम उत्पादन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, कल ही का ये करंट अफेयर है ना, ठीक। क्या नाम है उनका? सौरभ जंघेल जी, ठीक है। सौरभ जंघेल जी हैं, वो राजनांदगांव के कृषक हैं और इनको हाल ही में मशरूम उत्पादन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। नाम याद रखेंगे, इस टाइप के प्रश्न आपको सीधे तौर पे पूछता है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, शहीद वीर नारायण सिंह कौशल उन्नयन केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, ये जो शहीद वीर नारायण सिंह कौशल उन्नयन केंद्र है ये स्थित है हमारे रायपुर जिला में, ठीक है। तेलीबांधा के पास इसका ऑफिस है, आपको पता होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री कौन है? ऑप्शन में है रविंद्र चौबे जी, जयसिंह अग्रवाल जी, मोहम्मद अकबर जी या शिव कुमार डहरिया जी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री कौन है? अभी शिव कुमार डहरिया जी, ठीक है। आप सारे विभाग के मंत्रियों के नाम, है ना, संबंधित मंत्रियों के नाम बिल्कुल याद कर ले, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न
या तो सीधे तौर पर पूछता है या इसको देता है एमसीक्यू के माध्यम से, या दे देता है सही जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विभाग कौन सा मंत्री संभाल रहा है। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, जशपुर स्थित पुरातत्व संग्रहालय में कितनी जनजातियों के सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं को संग्रहित रखा गया है। ठीक है, तो देखिए, ये जो पुरातत्व संग्रहालय है ये हाल ही में प्रारंभ हुआ कहाँ, जशपुर में। ठीक है, और यहाँ पर कुल 13 ऐसी जनजातियाँ हैं जिनके सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं को संभाल कर रखा गया है। सांस्कृतिक महत्व की वस्तुएं मतलब उनके आभूषण, उनके बर्तन, उनके शिकार की वस्तुएं। ठीक है, इसके अलावा सन 1835 से लेकर के 1940 तक का जो सिक्का है, भारतीय सिक्का है ना, इसको भी उसमें संभाल कर रखा गया है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के लिए विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। यानी हमको पता है कि हाल ही के बजट में इस विश्वविद्यालय के निर्माण की बात कही गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के बारे में भूपेश बघेल जी ने बजट में बताया था। ठीक, तो इसके निर्माण तक के लिए एक कर्तव्यस्थ अधिकारी की नियुक्ति की गई है, और किसको नियुक्त किया गया है, डॉक्टर अजय वर्मा जी को। ठीक है, डॉक्टर अजय वर्मा जी हैं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, नदी पुनरुद्धार कार्य योजना के अंतर्गत अद्यतन राज्य की कितनी नदियों को शामिल किया जा चुका है। तो देखिए, ये जो नदी पुनरुद्धार कार्य योजना है ना, ये क्या है, नदियों के अंतर्गत जो गंदगी है उनको साफ करना है ना, नदियों की सफाई से संबंधित है ये, साथ ही नदियों पर जो खराब पुल हैं है ना, जो पुल खराब हो चुके हैं उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। ठीक, और इस कार्य योजना के अंतर्गत अद्यतन 13 नदियों को इसमें शामिल किया जा चुका है। ठीक है, महानदी भी है उसमें, उसमें हमारी अर्पा नदी है, इंद्रावती नदी है। ठीक, इस प्रकार से कुल 13 नदियां इसमें शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, माड़मसिल्ली बांध का नया नामकरण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर किया गया है। तो देखिए, पिछला जो 2 अक्टूबर था है ना, 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती 150वीं जयंती मनाई गई थी गांधी जी की, उस समय एक पद यात्रा निकाली गई थी किसके द्वारा, भूपेश बघेल जी के द्वारा, कहां से, कंडेल से। ठीक है, और इसी समय पर घोषणा हुई थी कि ये जो माड़मसिल्ली बांध है इसका नया नामकरण क्या है, किसके नाम पर होगा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर। ठीक है, आपको पता होगा कि बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, तो उनके सम्मान में ये जो माड़मसिल्ली बांध है इसका नामकरण क्या किया जाएगा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय। तो ये थे हमारे आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नए प्रश्नों के साथ जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।